बता रहा हूँ ये 13.2 से। इसमें बोला है द डायमीटर ऑफ ए रोलर। रोलर देखिए, रोलर जो पहिया जो होता है वो आगे वाला आपने देखा होगा, इस तरह से एक पहिया होता है ना रोलर, ये तो इसका क्या बोल रहा है डायमीटर। ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का ही है, ये कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में डी इज इक्वल टू कितना है 84 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू इसका आधा हो जाएगा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर आर हो जाएगी। और क्या बोल रहे हैं, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, और लेंथ को मतलब हम देखो यहाँ से लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे, तो ये कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। तो ये एक तरह से हाइट का काम कर रही है ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट, ठीक है। तो ये एच मान सकते हैं इसको हम, एच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। और इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 500 चक्कर लगाता है एक पहिया रोलर का, घूमते हुए जाएगा 500 चक्कर, फिर 500 चक्कर लगाएगा। और ये कह रहा है फाइंड द एरिया, तब आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर में। हाँ, यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है, देखिए ये सेंटीमीटर में है सब और यहाँ मीटर में, तो हम सेंटीमीटर से मीटर में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको मीटर में ले आइए, 42/100 का डिवाइड देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/100 मीटर, तो 100 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो हटाएंगे तो 0.42 मीटर, और यहाँ पे भी 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, 1 2 0/100, ये मीटर में आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 0 हटाएंगे तो यहाँ 1.2 मीटर आ गया। ये हमने मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि मीटर में आंसर पूछ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, अब हमें क्या करना है, इट्स टेक 500, अब पहले एक चक्कर एक रेवोल्यूशन कितने में लगाता है ये पता करना हमें, ठीक है ना। अब देखिए एक रेवोल्यूशन कितने में होगा इसका, तो हम लिखेंगे रोलर रोलर कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन रोलर जो कंप्लीट करेगा वो कितने में करेगा, देखिए या एक चक्कर जैसे ये लगाया इसने, तो एक बार घूम के वहीं फिर आएगा, एक चक्कर लगेगा, यानी यहाँ से अगर ये घूमेगा यहाँ फिर आ जाएगा, इतना ही घूमेगा, तो ये एक जो रोलर चक्कर लगाएगा वो क्या होगा, गोल लगेगा ना चक्कर इस तरह से, तो क्या होगा पाई इसका उसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि इतनी हाइट को कवर करेगा वो, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया लगेगा 2 पाई आर एच। नहीं एक मिनट, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, एरिया निकाल दिया, एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया के लिए तो 2 पाई आर एच लगेगा ना, क्योंकि ये कैसा है सिलेंड्रिकल है, ये नहीं करना है हमें, इसको काट देता हूँ मैं, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है ना, जो उसका जो पहिया होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंडर वाला यही लगेगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो घूमेगा तो वो पूरा लेंथ को पूरी लेंथ भी होगी उसमें, तो हम यही लगाएंगे 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू हम रखेंगे, आर की है 0.42 × 1.2, इसकी एच की वैल्यू है, इसको सॉल्व कर देंगे, 7 6 जो होता है तो 0.06 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट हैं, और अब इनका इंटू कर दो, 44 × इसका 12 6 जो 72, तो 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, या 0 और लगाना पड़ेगा एक इस तरह से, ठीक है। अब इसका इंटू करेंगे इसमें, तो इंटू कर लेते हैं हम 72 यहाँ पे इस तरह से 44 का, एक दो तीन डिजिट बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर ये आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। ये तो 1 रेवोल्यूशन का है, ठीक है। अब हमको कितने रेवोल्यूशन बोला है, 500 बोला है, यहाँ पे देखो 500 रेवोल्यूशन। तो अब हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड आपका कितना आ जाएगा 3.168, मैं इंटू करोगे 500 का मीटर स्क्वायर, तो देखिए क्या आ जाएगा, 3
सॉरी इनटू करना है, 5 का इनटू कर देते हैं, 2 0 ये लगा दिए मैंने, और 3 डिजिट बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो पॉइंट के बाद इसका कोई मतलब नहीं, हटा दो इनको, तो मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लें उसको।